हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल पब्लिक स्कूल ततारपुर। ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डू योर स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, हमारी एक्सरसाइज नंबर टू। एक्सरसाइज नंबर टू है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, आज से हम ये स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के बारे में पढ़ने से पहले जान लेते हैं थोड़ा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स होते क्या हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे कोई भी जितने भी नंबर्स हैं हमारे, उन सभी को हम किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट, सेकेंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये होते क्या क्या है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक होल नंबर को। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहां पर 4/2, 4 को 2 से, 4 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा हमारा आंसर, 2। यानी कि ये कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं लिखूं 3, सिर्फ 3, तो 3 अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, बट इसके अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं, 1। 3/1 भी क्या होगा, 3 होगा, तो इसे 3 लिखो या 3/1, तो ये भी कैसा है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। जो एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करें वो सभी क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि 3/2, 3/2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, जिनका डिवाइड करने पर आंसर क्या आए, डेसिमल में आए, पॉइंट्स में आए, वो कैसे कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/2, 7/4, 5/9, ये सभी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा 7/4, अब हमसे कहे कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, तो कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 7 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, कितने बचे, 3। अब ये 3 जो है यहां पर अपॉन में आएगा, ऊपर आएगा, और ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। यानी मिक्स फ्रैक्शन में 7/4 को कैसे लिखेंगे, 1/3/4। 7/4 को कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 1/3/4। तो ये आपको आना चाहिए, किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, और मिक्स फ्रैक्शन से वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। मिक्स फ्रैक्शन से वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसमें रिजल्ट में ऐड कर देंगे ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो 4+3 कितना आया, 7, और इस 7 के अपॉन में हम अब लगा देंगे जो यहां पर डिनोमिनेटर है, यानी 7/4, तो इसको वापस हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, कितना, 7/4। प्रीवियस क्लास 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा ये फ्रैक्शंस को चेंज करना, तो एक बार वापस मैंने आपको एक समझा दिया है और अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। अब इसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। हमें नीचे कुछ फ्रैक्शन दिए, उन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट दिया हुआ है जैसे 2-3/5, 2-3/5। अब 2 यहां पर है, तो 2 के अपॉन में अगर हम 1 लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, भैया 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या रहेगा, वो 2 ही रहेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है 1 और 5, इनका एलसीएम लेना होगा हमें। 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा। 1 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा, हमेशा 5 ही बनेगा। अब हमें क्या करना है, इस यहां पर जो 5 आया इसको डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर 1 से, 5 को डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर 1 से, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा। डिवाइड करने पर जो आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, डिवाइड करने पर आया 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 10। ठीक है स्टूडेंट, यहां माइनस का साइन है तो यहां भी क्या आएगा, माइनस का साइन। अब जो काम यहां किया है वही यहां पर करना है, 5 को इसके डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1,
और जो डिवाइड करने पर आया वन उसको इसके न्यूमरेटर थ्री से मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई थ्री कितना होगा थ्री, टेन में से थ्री गए कितने बचे सेवन और अपॉन में फाइव, तो इस टू माइनस थ्री अपॉन फाइव कितना आएगा सेवन अपॉन फाइव। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड है फोर प्लस सेवन अपॉन एट। अब फोर के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे वन, वन और एट का एलसीएम कितना होगा एट। ठीक है, अब वही एट को डिवाइड करेंगे पहले इसके डिनोमिनेटर वन से, एट को वन से डिवाइड करेंगे एट, एट को फोर से मल्टीप्लाई किया एट फोर जा थर्टी टू, अब यहां प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, एट को एट से डिवाइड किया वन, वन को सेवन से मल्टीप्लाई किया सेवन, थर्टी टू और सेवन थर्टी नाइन और अपॉन में एट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, थ्री अपॉन फाइव प्लस टू अपॉन सेवन। अब फाइव और सेवन का हमें लेना होगा एलसीएम, तो फाइव और सेवन का एलसीएम क्या होगा, फाइव को किससे डिवाइड होगा फाइव से, सेवन होगा फाइव से डिवाइड नहीं तो सेवन का सेवन लिख दिया, अब सेवन को किससे डिवाइड होगा सेवन से, सेवन बन जा सेवन, तो फाइव इंटू सेवन कितना आ गया एलसीएम थर्टी फाइव, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा थर्टी फाइव। अब थर्टी फाइव को इसके डिनोमिनेटर फाइव से डिवाइड करना है, कितना आएगा थर्टी फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे तो सेवन, और सेवन को इस न्यूमरेटर थ्री से मल्टीप्लाई करना है, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, प्लस थर्टी फाइव को डिवाइड करेंगे सेवन से कितना आएगा फाइव, और फाइव को इसके न्यूमरेटर टू से मल्टीप्लाई, फाइव टू जा टेन, यह आएगा ट्वेंटी वन और टेन थर्टी वन और अपॉन में थर्टी फाइव। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चंस आज मैंने पढ़ाए हैं आपको, इनको एक बार वापस अपनी नोटबुक में रिवाइज करना, अच्छे से इनको सॉल्व करना, अच्छे से समझना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।